हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज या आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का जो अपीयरेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप जो सवालों के जवाब देने वाले हो वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका अपीयरेंस क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लुक, नॉट जस्ट इन इंटरव्यू, इनफैक्ट इन एनी काइंड ऑफ मीटिंग, तो फॉर्मल मीटिंग हो या इनफॉर्मल मीटिंग हो, आपके रिलेटिव्स के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है, किसी भी टाइप के मीटिंग में आपका बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप कैसे चलते हो, आप कैसे बात करते हो, एवरीथिंग मैटर्स। तो इस छोटे से वीडियो में कुछ छोटी मोटी बातें बताने वाला हूं, लेकिन ये सारी छोटी बातें मिलके एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा, वर्क ऑन योर वॉक। आप कैसे चलते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको जिम से निकले हुए बॉडी बिल्डर की तरह नहीं चलना है, नॉट नेसेसरी वैसा आपका वॉक हो, तो वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट वॉक होता है कभी कभी, या फिर आपको किसी मिलिट्री मैन के जैसे भी नहीं चलना है, लेकिन आपके शोल्डर या आपके जो कंधे है वो अगर झुके हुए हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बताता है। तो आपके वॉक में एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा, तो ऑब्वियसली बेस्ट सोर्स है आपके दोस्त। आपके दोस्त आपको बता सकते हैं कि आपके चलने में कितना कॉन्फिडेंस है या उसमें कुछ फॉल्ट है क्या। तो अगर हो सके, अगर वो कोई इनबॉर्न या जेनेटिकल फॉल्ट नहीं है तो आप उसको जरूर सुधार सकते हो। आपके फ्रेंड्स नहीं तो आप अपने रिलेटिव से पूछ सकते हो, और आप आईने के सामने चल के प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि सच में आपके वॉक में एक दम है या नहीं है। वॉक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए केबिन में या इंटरव्यू हॉल में एंटर करोगे तो राइट फ्रॉम दैट मोमेंट आपको जज करना स्टार्ट किया जाता है कि आपके पर्सनैलिटी में कुछ कॉन्फिडेंस है या नहीं, या आपके वॉक में वो कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो प्लीज आपको इसके बारे में सीरियसली सोचना है और आपको एक क्रॉस चेक करना है। दूसरा छोटा पॉइंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके बॉडी लैंग्वेज का, वो रहेगा स्माइल। आपके चेहरे पे एक स्माइल होना बहुत जरूरी है। देखो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके स्कूल में या कॉलेज में आपका कोई भी टीचर या प्रोफेसर अगर क्लासरूम में एंटर करता है और वो गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन गुड मॉर्निंग विश करते समय उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, एक स्ट्रेट फेस है, तो उस गुड मॉर्निंग में कुछ मजा नहीं है, राइट? उसमें कुछ दम नहीं है। इट्स मोर लाइक कि एक एज अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशन गुड मॉर्निंग बोल दिया, राइट? लेकिन अगर उस गुड मॉर्निंग बोलते समय अगर चेहरे पे स्माइल है तो ऑब्वियसली वो जो कॉन्फिडेंस या वो पॉजिटिविटी जो है ना, वो रिफ्लेक्ट होती है और वो वहां से टीचर से लेके स्टूडेंट्स तक वो पॉजिटिविटी ट्रांसफर होती है। इसी तरीके से आपके चेहरे पे भी स्माइल होना जरूरी है। द टाइम व्हेन यू एंटर द हॉल, व्हेन यू नॉक द डोर, आपके चेहरे पे स्माइल होना जरूरी है। जब आप एक परमिशन मांगते हो, वुड आई कम इन सर, ठीक है, और वुड आई कम इन मैम, ये जो आप परमिशन मांगते हो तो उसके साथ ही इसके बाद में चेहरे पे स्माइल होना जरूरी है। और एक बात, जेन्युइन स्माइल होना जरूरी है, इट शुड नॉट बी अ फेक स्माइल। तो अगर आप में ये हैबिट है, अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज, एक स्माइल चेहरे पे होना एक पॉजिटिविटी का सिंबल है और एक स्माइल देने के लिए कोई खर्चा नहीं लगता है, राइट? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट। सो प्लीज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू एंटर, और इन फैक्ट फॉर एनी मीटिंग, नॉट जस्ट फॉर इंटरव्यू, अ स्माइल इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आई कॉन्टैक्ट। आई हैव सीन मैनी पीपल जिनको आई कॉन्टैक्ट रखने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो देखो, आई कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। आप जिसके साथ बात कर रहे हैं ना, उसके आंख में आंख मिला के बात करो। कुछ लोग आंख में आंख मिलाना नहीं चाहते, तो ऊपर देखते हैं या नीचे देखते हैं। इससे क्या होता है, दैट टेल्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको आपके पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस सच में दिखाना है, अगर आपने रिज्यूमे में लिखा है, तो वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे भी झलकना चाहिए और वो आपके आंखों में झलकना चाहिए। सो यू शुड बी डूइंग आई कॉन्टैक्ट।
आई कॉन्टैक्ट करते समय भी अगर इंटरव्यू पैनल में एक ही बंदा बैठा है तो ऑब्वियसली आपको उसी के साथ आई कॉन्टैक्ट करना है। एक से ज्यादा लोग बैठे हैं तो आपको जिसने सवाल नहीं पूछा है उसके साथ भी आई कॉन्टैक्ट बीच में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विद ऑल द पीपल हु आर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, नॉट जस्ट द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग यू। सेकेंडली, आई कॉन्टैक्ट का मतलब घूरना नहीं होता है, आंखों में आंखें डाल के जो घूरना होता है वो अलग होता है। तो वो एक नेगेटिव सिग्नल या नेगेटिव मैसेज कन्वे कर सकता है। तो आपको घूरना नहीं है, आपको सिर्फ आई कॉन्टैक्ट रखना है, और रादर आई विल से आपको फेस कॉन्टैक्ट रखना है। ठीक है, तो आंखों में आंखें घुसा के बात नहीं करना, एक सिंपल फेस कॉन्टैक्ट शुड बी मेंटेन विथ ऑल द पीपल हु आर देयर इन द इंटरव्यू पैनल। दिस इज द थर्ड पॉइंट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट, सिट अप स्ट्रेट, नो स्लाउचिंग। तो जस्ट लाइक द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि वर्क ऑन योर वॉक, ये फोर्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ओवरऑल फिजिकल पोस्चर जो है उसके बारे में पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो जब आप बैठते हो तो आपके शोल्डर्स स्ट्रेट होने चाहिए, झुके हुए कंधों के साथ वहां पर नहीं बैठना है। नो लाउजी शोल्डर्स, शोल्डर्स शुड बी स्ट्रेट और एंड यू शुड सिट स्ट्रेट। झुक के नहीं बैठना है, आपका स्ट्रेट पोस्चर एक कॉन्फिडेंस बताता है आपके पर्सनालिटी का। अगर आपको थोड़ा लाउजी शोल्डर्स के साथ बैठने की या चलने की आदत है तो प्लीज चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। और ये अगर सच में आप में आदत है तो आपके दोस्त या आपके रिलेटिव्स जरूर आपको अब तक बताते होंगे, तो उसमें सुधार लाना जरूरी रहेगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हैंड गेस्चर्स। हैंड गेस्चर्स आर इंपॉर्टेंट। तो आप जब बात करते हो, आपने देखा होगा कोई प्रोफेसर या लेक्चरर, एनी वन, इनफैक्ट जब हम फोन पे भी बात करते तभी हमारे हाथ घूमते रहते हैं। सो हैंड गेस्चर्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन हैंड गेस्चर्स ना होना भी बुरी बात है और हैंड गेस्चर्स बहुत ज्यादा होना भी बुरी बात है। तो उतने ही होने चाहिए जितने जरूरी है, दैट टेल्स द कॉन्फिडेंस। तो अगर आप कुछ भी बता रहे, खुद के बारे में बता रहे या कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो, इफ यू आर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, हैंड गेस्चर्स आर इंपॉर्टेंट, दैट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस। तो हाथ बांध के नहीं रखना है या हाथ बहुत ज्यादा भी नहीं घुमाना है, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड टचिंग योर फेस। आई हैव सीन मेनी पीपल कि उनको बात करते करते ना एक हैबिट होता है कि वो अपने नाक को हाथ लगा रहे, गाल को हाथ लगा रहे, तो प्लीज ये नहीं करना है, इट लुक्स बैड और इट लुक्स वियर्ड। इनफैक्ट अगर ये हैबिट है और अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, तो आपको खुद को ही कुछ तो मिसिंग लगता है। वो इट्स मोर ऑफ अ वेरी बैड हैबिट। अगर ये बैड हैबिट आप में है कि बात करते करते बहुत बार हाथ, चेहरे को, आंखों को, नाक को हाथ लगाना, ये एक अनकॉन्शियसली होता है, लेकिन ये कॉन्शियसली आपको एफर्ट्स लेना पड़ेगा कि ये आप ना करो इन एनी कम्युनिकेशन, दैट लुक्स बैड। एंड द लास्ट पॉइंट इज नॉड योर हेड एज यू लिसन। जैसे हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में, स्किल्स के वीडियो में भी बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब सुनना भी होता है, इट इज ऑल्सो एक्टिव लिसनिंग। और जब आप सुन रहे हो, जब आप इंटरव्यू पैनल में जो कोई बंदा आपको सवाल पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सर हिलाना जरूरी है, थोड़ा सा ही हिलाना है, दैट टेल्स कि आप उसकी बात सुन रहे हो और आप उसकी बात समझ रहे हो। अगर आप स्ट्रेट बैठे हो तो उसको भी पता नहीं चलता है कि यार ये सामने वाला बंदा सच में मेरी बात सुन रहा है या समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। सो यू शुड बी नॉडिंग योर हेड एज यू लिसन टू एनीवन इन एनी कम्युनिकेशन। हाँ, लेकिन अननेसेसरी ज्यादा नॉडिंग भी नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना ही सिर हिलाना होता है। कुछ ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो अगेन दैट कैन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट। सो वॉट एवर द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस टिल नाउ, दे आर वेरी स्मॉल पॉइंट बट दे आर गोइंग टू क्रिएट वन बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर पर्सनैलिटी एंड योर रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू।